हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है ट्रेपेजॉइडल सरफेस, मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किसी भी ट्रेपेजॉइडल सरफेस पे लगता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, असेशन फॉर क्लोजिंग द एंट्रेंस ऑफ अ ड्राई डॉक इज ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। ठीक है, तो 16 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 10 मीटर वाइड एट द बॉटम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। एंड 6 मीटर डीप, फाइंड द टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द कर्सन इफ द वाटर ऑन द आउटसाइड इज जस्ट लेवल विद द टॉप। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्री सर्फेस शो कर देते हैं, ये फ्री सर्फेस हो गया। और फिर इसमें दिया हुआ है कि इसका जो टॉप है ना, वो 16 मीटर वाइड है, ये 16 मीटर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये बॉटम है वो 10 मीटर वाइड है, तो यहाँ पर ये मैं बॉटम मान देता हूँ। ठीक है, तो ये 16 मीटर वाइड एट द टॉप हो गया और ये 10 मीटर वाइड एट द बॉटम हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है इसकी जो डेप्थ है वो कितना है, 6 मीटर डीप, तो 6 मीटर ये आपका 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब आपको यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है और आपको फाइंड आउट करना सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो, इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि ये जो पूरा ट्रेपेजॉइडल है इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, एक यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं इधर इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल हो गया और ये यहाँ से आपको दो ट्रायंगल मिल गए। अब इसके लिए हम अलग अलग वो फाइंड आउट करें, है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर, वो आपका जो सेंट्रॉइड है वो फाइंड आउट करें। देखिए, सीधा पहले आप एक चीज़ समझिए, जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, WAYC, जिसमें W क्या रिप्रेजेंट करता है, W स्पेसिफिक वेट रिप्रेजेंट करता है, और W इक्वल्स क्या होता है, रो इंटू जी, जिसमें रो का मतलब डेंसिटी और जी का मतलब ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपकी 9.81 होती है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया, है ना, जो भी आपका प्लेन है उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। और बाईसी क्या रिप्रेजेंट करता है, बाईसी रिप्रेजेंट करता है इस पूरे का जो सेंट्रॉइड है उस सेंट्रॉइड की फ्री सरफेस से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डब्ल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे मेजर कैलकुलेट करना है बाईसी, तो बाईसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या करें, हम इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें, इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें और इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें। फिर आपने मैकेनिक्स से एक फार्मूला पढ़ा रखा होगा, जैसे x निकालते हैं, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाता है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। या फिर हमें ट्रेपेजॉइडल का डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो उससे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो जो हम x निकालते हैं, x बेसिकली यहाँ पे ये सेंट्रॉइड शो कर रहा है और इसकी डिस्टेंस जो बॉटम है ये बेस है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होती है 2a + b a + b, जिसमें a क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसका ये जो छोटा वाला फेज है, और b क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका ये बड़ा वाली जो साइड है, h क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट रिप्रेजेंट करता है। अब इससे यदि हम इसको कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा, मैं दूसरा स्केच यूज़ कर लेता हूँ, ये आपका a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और ये h होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं सेंट्रॉइड लोकेट होगा तो आपको क्या है, फ्री सर्फेस से डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो फ्री सरफेस से यहाँ पे भी बॉटम से डिस्टेंस है ये, और ये इधर से क्या हो जाएगी, फ्री सरफेस हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बाई सी इक्वल्स आ जाएगा 2a, मैं इसको उठा देता हूँ, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 3, है ना, मैं डायरेक्ट से सॉल्व कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आप उसको अलग अलग कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 और a की जगह कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस b, b कितना हो गया, 16 अपॉन 10 प्लस 16 और ये h अपॉन 3, तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 अपॉन 3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10 मतलब 20 हो गया, प्लस कितना, 16, ये आ गया,
डिवाइडेड बाई ये नीचे 10 + 16 मतलब 26, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 26 ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 6 / 3 का, तो इसका मतलब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, तो ये वैल्यू आ गई 2.769। तो बाईसी की वैल्यू आ गई आपकी 2.769 और ये सारी डायमेंशन मीटर में, तो इसकी वैल्यू भी मीटर में आएगी। अब ट्रेपेज़ॉइडल का एरिया, तो ट्रेपेज़ॉइडल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है ये इक्वल्स होता है जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू एंड मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, इसको मैं यहीं पे दूसरे पेपर पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं वैल्यूज, और जो एरिया का ए इक्वल्स आ जाएगा आपका, ए कितना है 10 है, बी कितना है 16 है अपॉन टू एंड मल्टीप्लाइड बाई एच, एच की वैल्यू कितनी है 6। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो 10 + 16 26 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो एरिया आ गया आपका 78 और एरिया की यूनिट क्या होगी ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालने का, तो डब्ल्यू ए बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वाटर है फ्लूड में दे रखा है, तो वाटर का अब इसको हम थोड़ा सा वो करें तो W की जगह क्या लिख सकते हैं रो जी ए बाई सी। रो की वैल्यू वाटर के लिए 1000, ये पता होना चाहिए आपको वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर की इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई ए अभी हमने निकाला है 78 और दूसरा बाई सी, तो बाई सी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 2.769, तो हो जाएगा 2.769। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 78 मल्टीप्लाइड बाई 2.769, तो ये जो वैल्यू आ गई आपको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की 2118783, और ऑब्वियसली फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या आएगी न्यूटन आएगी। अब ये बड़ा डिजिट है तो इसको हम किलो न्यूटन या मेगा न्यूटन में लिख सकते हैं। मेगा न्यूटन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 6 डिजिट आगे डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एफ इक्वल्स आ जाएगा 2.1187 मेगा न्यूटन। ठीक है, तो आपका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आ गया। अब दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका बाई पी। बाई पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री सरफेस से डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल्स क्या होता है बाई सी प्लस आई सी, आई सी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड अपॉन ए बाई सी। ठीक है, अब ट्रेपेज़ॉइडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड, या तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका देखो ये सेंट्रॉइड आपको मिल गया, सेंट्रॉइड कहाँ मिला है वो तो आपको समझ में आ गया, तो सेंट्रॉइड ये है, आपने सेंट्रॉइड लोकेट कर दिया, उससे आप एक्सिस बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसके अबाउट, इस सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसके अबाउट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस पूरे के सेंट्रॉइड के अबाउट। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके आप इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, फिर जोड़ देंगे एक तरीके ये। इस तरह के क्वेश्चंस आपने मैकेनिक्स में बहुत सॉल्व किए होंगे, इवन इसका जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आपका ट्रेपेज़ॉइडल का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है अबाउट द सेंट्रॉइड ए स्क्वायर प्लस, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो और अच्छा है, नहीं तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा क्योंकि उसमें आपको अलग सबसे पहले अलग सेंट्रॉइड निकालने पड़ेंगे, उसके बाद अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अपॉन 36 ए प्लस बी और इनटू एच का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए कितना है, ए की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है, छोटे वाले को ए लिया है, बड़े वाले को हमने बी लिया है,
प्लस 4 इंटू 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर अपॉन 36 और ए की वैल्यू 10 प्लस 16 इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है, एच है आपका 6 का क्यूब इक्वल से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले 10 का स्क्वायर ये कितना होगा 100 हो गया प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 ओके ये हो गया प्लस 16 का स्क्वायर ये हो गया। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, डिवाइड कर दिया 36 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 प्लस 16 ठीक है तो ये आ गया 1. तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.064 मल्टीप्लाइड बाई 6 का क्यूब। जो भी आंसर आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 का क्यूब से, तो 6 का क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 229.846 इक्वल्स अगर 229.846 और ऑब्वियसली मीटर की पावर 4 इसकी यूनिट आती है ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, अब आसानी से आप इस फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करके बाई पी निकाल सकते हैं। तो बाई पी इक्वल्स कितना आता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, बाई सी की वैल्यू हमने निकाला था अभी, बाई सी कितना था आपका 2.769 ओके प्लस आई सी की वैल्यू कितना है 229.846 एरिया, एरिया कितना है 78 और बाई सी 2.769 ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाई पी की वैल्यू कितनी जो भी आएगी तो 229.846 ओके डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाइड बाई 2.769 ठीक है ये आ गया 0.988 और इसमें प्लस कर देते हैं 2.769 तो ये वैल्यू आ गई 3.751 ठीक है बाई पी की वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है ये वाला, मैं दोबारा से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 229 को डिवाइड कर 229.846 डिवाइड कर दिया मैंने 78 से किया गया इस 78 से तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा 2.769 से तो डिवाइड बाई 2.769 ठीक है तो ये आ गया 1.0 प्लस इसमें ये ऐड करना है प्लस 2.769 तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3.833 मीटर। तो ये आपकी जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी लोकेशन आ गई कहाँ से, फ्री सरफेस से ठीक है। और ये तो आपको मालूम ही होगा सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करता है, ये बाई पी होगा यहाँ पे और इस तरह से यहाँ बाई सी, तो बाई सी की वैल्यू कितना ये 2.769 और बाई पी की वैल्यू कितनी 3.833। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।